अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे केटलेस, जिसे ब्रेड पकौड़ा भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर ले लिया, इसमें तेल गरम कर लेंगे और डाल देंगे कलौंजी और राई। राई जब चटकने लगेगी तब हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज। प्याज जब तक पक रही है हम इसके मिर्ची और लहसुन को एक मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसको दरदरा सा पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है। अब इसको भी हम प्याज में शामिल कर देंगे। साथ में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 700 ग्राम आलू, इसको हमने अच्छे से छील लिया और इस तरीके से क्यूब में कट कर लिया है। अब वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक चम्मच के तकरीबन नमक डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधा कप के तकरीबन। और इसको ढक्कन ढककर 3 सीटी आने तक पका लेंगे। और जब तक इसका प्रेशर रिलीज नहीं होगा इसको ढक्कन ढके रहने देंगे। देखिए आलू अच्छे से गल गया है। अब इसमें डालेंगे सोया और सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आलू हमने यहाँ पे मैश कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिए 2 ब्रेड स्लाइसेस, इस पर चारों तरफ अच्छे से हम अपना फिलिंग को फैला देंगे। अब इसके ऊपर से एक ब्रेड की स्लाइसेस को रख देंगे। इसको एक इस तरीके से ऊपर एक दूसरे के रख के हाफ में कट कर लेना है। सारे ब्रेड्स हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने 2 कप बेसन, आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच के नज़दीक अजवाइन डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेना है। अब इसमें ब्रेड की स्लाइसेस को हम डिप करेंगे इस तरीके से। पूरा बेसन अच्छे से कोट हो जाना चाहिए और इसको गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होने, तो ये फ़ौरन से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। दोनों तरफ से कलर आने तक इसको पका लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया इस पर। अब हम इसको निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।